वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोल मुद्विभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलिं कलयते कारुण्यमा तन्वते म्लेच्छान्मूर्च्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः कमलमालिने नमः कमलपादाये नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्मणं विदधात् पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये सद्घन चिद्घन आनंद घन वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद
लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों का समाधान किया जा रहा है। कोई पूछ सकता है क्यों? कोई भी कार्य किसी कारण से हुआ करता है। कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते, वेद कह रहा है। योग शिखोपनिषद 1:37 त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद में भी 8वें अध्याय का पहला मंत्र है, कारणेन बिना कार्यम नोदेति। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। आप यहां क्यों आए हैं? कारण है। यहां से कहीं जाएंगे क्यों? कारण है। अरे आंख बंद किया क्यों? कारण है। सांस लिया क्यों? कारण है। सर्वत्र कारण से कार्य होता है। हाँ, ठीक प्रश्न है। हमको क्या आवश्यकता पड़ गई मैं कौन मेरा कौन इन दो प्रश्नों के हल करने की? हाँ, इसका दो उत्तर है। हमारे यहां के जितने भी सिद्धांत हैं संपूर्ण विश्व में, वे दो वाक्यों में बोले जा सकते हैं। क्या? वास्तविक दुख निवृत्ति के लिए अथवा वास्तविक सुख प्राप्ति के लिए। हम सब दुखी हैं, इसके विपरीत सुख चाहते हैं। हम सब अशांत हैं, इसके विपरीत शांति चाहते हैं। हम सब मरणशील हैं, इसके अतिरिक्त अमरत्व चाहते हैं। हम सब अल्पज्ञ हैं, इसके अतिरिक्त पूर्ण ज्ञानी बनना चाहते हैं। अर्थात हम सर्वथा अपूर्ण हैं, पूर्ण बनना चाहते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में इसलिए इन दोनों प्रश्नों को हल करना आवश्यक है। तदर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण आदि से भी समझाया गया मैं कौन हूं। लेकिन ये मैं नाम का तत्व ऐसा तत्व है जो प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से बोधगम्य नहीं कराया जा सकता। अतएव शब्द प्रमाण का अवलंब लिया गया। शब्द प्रमाण में श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान, तीन प्रस्थान होते हैं। अर्थात एक विनिर्गत वाणी, वेद
और एक स्मृत शास्त्र गीता आदि। इन सब प्रमाणों के द्वारा मैं तत्व पर विचार किया गया। संक्षेप में आपको बताया गया, एक कोई ब्रह्म है और एक कोई माया भी है, मेरे अतिरिक्त दो हैं। इन्हीं दोनों में कोई मेरा है, या तो ब्रह्म मेरा होगा या तो माया मेरी होगी। तो वेदों के द्वारा बहुत विस्तार से आपको बताया गया कि ये मैं नाम का तत्व उस ब्रह्म की शक्ति है और वो माया नाम की शक्ति भी शक्ति है ब्रह्म की। और इसीलिए हमको यानी जीव को भगवान का अंश भी कहते हैं। वेदांत के द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया कि हम भगवान के अंश हैं, हमारा स्वरूप सर्वव्यापकता का नहीं है। ये सिद्धांत गलत, और शरीर परिमाण भी हम नहीं है, हम अणु हैं, अत्यंत सूक्ष्म है, जिसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता, इतने सूक्ष्म है हम, और हृदय में रहते हैं हम, और वो ब्रह्म भी हृदय में है, माया भी हृदय में है, और इस संसार में भी यही तीन है, हम लोग हैं, माया का ये पृथ्वी जल तेज आदि है, और भगवान सर्वव्यापक भी है, हमारे भीतर भी हृदय में बैठे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि भगवान ही संसार बन जाते हैं, अर्थात महाप्रलय में जीव माया सब भगवान में लीन हो जाते हैं। पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार महान में, महान प्रकृति में, प्रकृति ब्रह्म में। अर्थात पृथ्वी का आधार जल, जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, आकाश का अहंकार, अहंकार का महान, महान का प्रकृति, प्रकृति का आधार ब्रह्म, और ब्रह्म का आधार कुछ नहीं, वो बेचारा निराधार है। वो हमारे बाप होता है ना, माँ बाप है हमारे, हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप, आखिरी बाप भगवान, भगवान का बाप बिचारे का उसके बाप नहीं, माँ भी नहीं बिचारी, न माता न पिता जस्य, न भार्या न सुता दया, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च, न चास्य कर्म वा लोके सदसन मिश्र योनिषु। ऐसा ब्रह्म है
जिसके हम अंश हैं, वो हमारा अंश ही है, तो हम अत्यंत अणु हैं। ये जीव अति अणु हृदय में रहकर समस्त शरीर में चेतना देता रहता है, स्वयं भी चैतन्य और जहां रहे उसको भी चैतन्य किए रहे। वो गया तो माया बच गई, माने शरीर बच गया, वो गए और एक शरीर लेके गया, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो सदा साथ रहता है। और एक वो भगवान जिसको आप कहते हैं ब्रह्म, वो भी साथ जाता है। यानी ये तीनों साथ साथ चलते हैं। एक सेकंड को इन तीनों में कोई किसी से पृथक नहीं होता। जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां हमारा अंशी भगवान भी जाएगा। ये वेदों के द्वारा मैंने आपको बताया था, भूलेंगे नहीं। प्राग्जेनात्मनान्वारूढ़ा, हम कुत्ते बने, गधे बने, बिल्ली बने, मच्छर बने, नाली में गंदी नाली के कीड़े बने, वहां भी भगवान साथ रहेगा, साथ नहीं छोड़ेगा। और शरीर भी साथ रहेगा। और शरीर से जैसे हम इस समय प्यार कर रहे हैं, ध्यान दो, ऐसे ही सब करते हैं। आप हंसते हैं ना देख के, चूहा जा रहा है, चूहा इतनी बदशकल है, लेकिन सुअर के शरीर को दबाओ मारने के लिए चिल्लाएगा, ए क्या कर रहे हो, ये मेरा शरीर है, बड़ा प्यारा है, मैं छोड़ूंगा नहीं इस शरीर को। एक मक्खी को दबाओ, मच्छर को दबाओ, वो कहेगा ये क्या कर रहे हो, ये मेरा शरीर है। जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनि मनुब्रजेत तस्याम तस्याम सलभते निर्वृत्तिम नाभिरज्यते। तीन तीस चार भागवत, जिस जिस योनि में ये जीव जाता है, जो भी शरीर पाता है, वो उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। यानी प्रत्येक शरीर में एक सा प्यार है उसका। नरकस्थोपि देहं वै न पुमांस त्यक्तु मर्हति। नरकस्थ देह भी जहां इतना दुख भोगवाया जाता है, उस शरीर को भी ये जीव छोड़ना नहीं चाहता। ये देह की आसक्ति है, यहीं से तो अज्ञान शुरू हुआ। इसीलिए तो नरकस्थ देह भी प्रिय है जीव को। तीन तीस पांच भागवत।